अस्सलाम वालेकुम, मैं वासफ तनवीर। आज हम सीखेंगे चाइनीज़ अंडे टमाटर वाली नूडल्स। इसके लिए हमें चाहिए दो टमाटर, एक अंडा, नमक, चिकन पाउडर, वाइट पेपर, थूम, ग्रीन ऑनियन। सबसे पहले अंडा हम एक बॉल में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद हम टमाटरों को धोएंगे। गर्म पानी से धो रहे हैं। टमाटरों को स्लाइस में काटेंगे। स्लाइस में काटने के बाद इनको एक बॉल में डाल देंगे। उसके बाद हरा प्याज काटेंगे। इसको एक बॉल में डाल देंगे। गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे। ऑयल डालेंगे। आयल डालने के बाद आयल गर्म होने के लिए छोड़ेंगे। आयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें अंडे डालेंगे। अंडे हमारे फ्राई हो रहे हैं। इसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये टमाटर हमारे फ्राई हो चुके हैं। हम इनमें पानी ऐड करेंगे। टमाटर को सही तरह से फ्राई करना है। पानी ऐड करने के लिए पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। नमक, चिकन पाउडर,
चिकन पाउडर इनको मिक्स करेंगे। अब हम नूडल्स ऐड कर रहे हैं, जब 100 ग्राम हम नूडल्स ऐड करेंगे। सौ ग्राम नूडल्स के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इनको 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 8 मिनट के लिए छोड़ेंगे। आठ मिनट गुजर चुके हैं, नूडल्स हमारी बस तैयार हो गई हैं। नोटों में हमारी तैयार हैं, अब हम इनको बाहर निकालेंगे। इसके लिए हमें एक बाउल चाहिए। थोम हमारे यहाँ से टमाटर वाली नूडल्स। अब ये सूप इसमें डालेंगे। इसमें हल्का सा नमक, वाइट पेपर, थोड़ा सा चिकन पाउडर और हरा प्याज। ये नूडल्स हमारी तैयार हो गई है। ये हमारी नूडल्स हैं अंडे टमाटर वाली।